जनाब सदर, पेश करदा करारदाद हम आजाद हैं। हमसे मुराद पाकिस्तान में जीता जागता सांस लेता एक एक इंसान, और आजाद से मुराद बेखौफ, लेकिन हमारे सरों पर तो हर वक्त खौफ की तलवारें मंडराती हैं। आजाद से मुराद खुद मुख्तार, लेकिन हमारे सियासतदान तो कचकोल थामे अमेरिका के सामने अपनी कौम की हमियत का सौदा करते हैं। आजाद से मुराद किसी के ताबे ना होना, लेकिन हम तो आज भी उन्हीं जागीरदारों, उन्हीं वडेरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं जाबिर, उन्हीं जालिम, उन्हीं बेहिस और बेबस हुक्मरानों के ताबे हैं। तो मंतकी एतबार से एक करारदाद अभी और इसी वक्त मुस्तरद होती है। अगर ऐवान में बैठा कोई एक नौजवान भी खड़े होकर ये कह दे कि हाँ, जितनी आजादी हमें मिली है इतनी ही काफी है, तो मैं अभी और इसी के वक्त यहाँ के बजाय वहां खड़ी हूँ। लेकिन जनाब सदर, हम आजाद नहीं, और ये किस आजादी की बात करते हैं? जिस मुल्क में वाटर कूलर से लटकते हुए ग्लास को भी जंजीरों में जकड़ के रखा जाता हो, उसमें इंसान का हक आजाद होंगे? जनाब सदर, हम आजाद नहीं है। जनाब सदर, असल में मवाफकत में आने वाली मुकर्ररा खुद को डिज्नीलैंड की प्रिंसेस समझती है, क्योंकि ये जो कहानी हमें सुनाती रही वो पाकिस्तान को हमने कभी देखा ही नहीं। जनाब सदर, जिस मुल्क के सियासतदानों की तरक्की का आलम ये हो कि उनकी उनकी दौलतों में दिन दुगनी और रात चुगनी होती हो, और तरक्की का दारोमदार ये हो, तो फिर मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? जिन मुल्क के सियासतदानों के नाम पनामा लीक्स में लीक होते हो, और स्टोर मचने पर फकत अवाम को लैपटॉप स्कीम का लॉलीपॉप दे जाता हो, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? जनाब सदर, जिस मुल्क की हुक्मरानी और हुकूमत का ढांचा तक बैनुल अक़वामी इस्तेमार ने बनाया हो, तो फिर मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? जिस मुल्क का अदलिया का सिस्टम तक किसी और का लिया हुआ हो, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? जनाब सदर, और जिस आजादी की ये बात कर रही थी, जिन हरी झंडियों की बात ये कर रही थी, जब कल यही झंडियां हमारी पैरों के तले रो दी जाएंगी और कोई उनको उठाने वाला ना होगा, तो फिर मैं इनसे पूछूंगी कि अरे कौन सी आजादी? जनाब सदर, हम आजाद नहीं कि जब कश्मीर में हमारे भाइयों को मार मार के उनका भुतस निकाला जा रहा था, तो हम भारतीय मूवी सुल्तान को पाकिस्तान में सबसे मकबूल तरीन फिल्म बनाने में मसरूफ थे, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? जब बॉर्डर के पार हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा था, तो मेरे मुल्क के सियासतदान आम की पेटियां और साड़ियां तोहफे में उनको भेज रहे थे, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? जनाब सदर, और हमारे नौजवानों के लिए, अभी रोड पर मैं देखती भी आई, हमारे नौजवानों के लिए आजादी का मकसद फकत बाइकों के साइलेंसर फाड़ फाड़ के निकालने तक महदूद है, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? और जनाब सदर, जिस आजादी की बात करती है, शायद वो फकत सिर्फ दहशत गर्दों को हासिल है, क्योंकि अब उनका जग जहां जिसको दिल चाहता है मार देते हैं, और बड़ी आजादी से आकर मीडिया पर कहते हैं हाँ जिम्मेदारी कबूल, तो जवाब में हमारे सियासतदान फकत मुजम्मत करके नजर आते हैं। अरे कौन सी आजादी? जिस देश में हर सिमत बर्बादी के साए हो, और मुल्क के हर कोने में जुल्म और जबर के बादल छाए हो, तो मैं कैसे खुद को आजाद कहूं? जहां को हक कहने में जबान मेरी थर्राती है, मैं उस देश का बाकी वासी हूं जहां मौत खुशी से आती है।